रेखा जी, मीना जी, सीमा जी, जो भी नाम है आपका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए, मैं आपको साले ने मेरा सूट बेचा है, मेरा घड़ी बेचा, गोल्डन चश्मा बेचा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखना, आप मर साले को, साफ तक कचरा बेटी को मर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अपने पीली सूट वाली, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं, हम लोग चल के पीते ना कॉफी, छुट्टा दे दूंगा। राजू, अरे ऐसा मत पकड़ना बीड़ी की तरह, उसको पाइप की तरह पकड़ना। ये बाबूराव का स्टाइल है, सुन ले। कैसा लगा? हाँ एकदम झकास। हाँ तो आपके नाटक में मेरा रोल पक्का ना पड़ा। हाँ ठीक है, चल अब ये भाड़े के कपड़े उतार। भाड़े का? हाँ तो नाटक में तेरा काम खाली इतना है, तू हीरो का बाप है। बाप मन जो मर चुका है। क्लार खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लार। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को नहीं बेचने का। तो हे गाइस नमस्कार, मैं आपका अपना मंजीत आज एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आपसे बताना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और बिना स्किप किए, क्योंकि आज की इस वीडियो को थोड़ा खास करने वाला हूं। और ये जो आज के वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आपको एक फिल्म की लोकेशन दिखाने वाला हूं, जिस फिल्म को आपने ज़रूर देखा होगा, उसकी कॉमेडी तो ज़रूर ही देखी होगी। जी हाँ, 2006 में एक फिल्म आती है, फिर हेरा फेरी। जी हाँ, फिर हेरा फेरी आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, जिसमें मेन, अगर आपको मुख्य किरदारों के नाम बताऊं तो परेश रावल सर, सुनील शेट्टी सर, अक्षय कुमार सर। तो उस फिल्म में जो चौल दिखाया जाता है, जहां पर सुनील शेट्टी सर और अक्षय कुमार सर और परेश रावल जी रहते हैं, तो वो चौल आपको दिखाने वाला हूं कि उस चौल का लोकेशन जहां पे, मतलब उस फिल्म में लिया गया था, कौन कौन सा सीन आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना दोस्तों। ये वही चौल है जो कि फिर हेरा फेरी फिल्म में दिखाया गया था दोस्तों। फिर हेरा फेरी फिल्म जो कि दोस्तों 2006 में आई थी, और दोस्तों जो कि परेश रावल और सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार सर जी की फिल्म है दोस्तों। लगभग 16 साल से ज़्यादा हो चुका है उस फिल्म को रिलीज हुए दोस्तों। फिल्म में एक सीन बाहर से लिया जाता है, यानी इस बिल्डिंग के बाहर का सीन लिया जाता है, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो कि परेश रावल सर जी की फ़ोटो खींची जाती है, उन्हें बताकर कि आपको किसी नाटक में काम मिलेगा। तो दोस्तों ये बाहर का सीन है और लगभग काफ़ी सालों बाद यहाँ पे परिवर्तन हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो एक सीन यहाँ से लिया जाता है जहाँ पर परेश रावल और सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जी पिज्जा खाते हैं, और एक सीन यहाँ से लिया जाता है जहाँ पर जॉनी लीवर और परेश रावल सर जी की लड़ाई होती है दोस्तों। ये वही सीन है सामने का दोस्तों, जो कि देख सकते हो, और सामने वही रूम है दोस्तों जहाँ पर परेश रावल सर के बगल वाला रूम रहता है, यानी कि जॉनी लीवर सर जी का। दोस्तों कुछ सीन जो है फिल्म में यहाँ से लिया जाता है सामने से, जहाँ पर दोस्तों सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार सर जी की फाइट होती है, वो भी बेलन और झाड़ू से दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर कैसे फाइट हो रही है वीडियो के, और यहाँ पर परेश रावल सर जी कहते हैं मार मार खोपड़ी में, मार साले का खोपड़ी तोड़, और अक्षय कुमार सर जी घुमा के मारते हैं सुनील शेट्टी सर जी को, मगर वो जो कि परेश रावल सर के खोपड़ी पर लग जाती है। और सामने का दोस्तों जो आप सीन देख रहे हो, वहाँ का भी सीन लिया गया है जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो दोस्तों ये वही पूरा चौल है जो कि फिल्म हेरा फेरी में दिखाया जाता है दोस्तों, देख सकते हो। पहले के टाइम में दोस्तों ये बिल्डिंग्स नहीं थी, जो कि आज 20 सालों के अंदर बन चुकी है, और फाइनली यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ का सीन है। तो दोस्तों ये सामने के चौल का, जो कि सामने आप देख सकते हो दोस्तों, ये चौल है, और उसी के जस्ट सामने मंदिर है भगवान बजरंग बली का, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त और यहाँ से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भगवान बजरंग बली का मंदिर है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ पे आप आके यहाँ पर अपनी मनोकामना को मांग सकते हो, ज़रूर आपकी मनोकामना इच्छा पूरी होगी। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जो आपको बिल्डिंग दोस्तों ये दिखाई दे रहा है, ये चौल दोस्तों, यही वो चौल है जिसे फिर हेरा फेरी मूवी में लिया गया था 2006 में। आई अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल और बिपाशा सर जो भी हैं एक्टर्स की दोस्तों, उन सभी की फिल्म जो थी ये परेश रावल जी की फिर हेरा फेरी मूवी, तो उसी में ये दोस्तों चौल को दिखाया जाता है। इसी चौल में रहते हैं सुनील शेट्टी सर और परेश रावल सर दोस्तों, देख सकते हो। तो हे गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको
फिर हेरा फेरी मूवी की कुछ शूटिंग लोकेशन दिखाई है, यानी उस फिल्म में जो चौल दिखाया था उसको मैंने दिखाया है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है कि वीडियो बनाना मना था, हमने बात भी किया वहाँ से जो मेन थे तो उन्होंने बोला कि नहीं वीडियो आप नहीं शूट कर सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ केस हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकता है। बट दोस्तों मैंने बाहर से दिखाने की कोशिश की, मतलब पॉलिसी के अनुसार मैंने अंदर का कुछ ज़्यादा क्लिप नहीं लिया था, और उसके बाद मैंने बाहर से आपको दिखाने की कोशिश की कि ये वही बिल्डिंग थी जहाँ पर फिर हेरा फेरी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो गाइज ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट मूवी वाली लोकेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।